For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. Come in. सर, मुझे भीका के खिलाफ वारंट चाहिए। वारंट? यस सर, उसके खिलाफ मैंने सारे सबूत जमा कर लिए हैं। मैं उसे अभी और इसी वक्त गिरफ्तार करना चाहता हूं। गुड, वेरी गुड। बंगले को चारों तरफ से घेर लो। भीका बच के जाना नहीं चाहिए। जाओ।
इंस्पेक्टर गुरदयाल सिंह, कई पुलिस वाले वारंट लेकर भीखा को लेने आए, पर अपनी जिंदगी की झोली में मौत की भीख लेकर चले गए। हमारी जिंदगी की झोली में फर्ज होता है भीखा, और वर्दी कफन होती है। मौत का हमें डर नहीं। देख अपने कारनामे, भीखा के जुआ खानों पर छापा। अब बहुत जल्द भीखा पकड़ा जाएगा। भारत नगर के लोगों के दिलों से मेरा डर दूर करने चला था, तेरे इन्हीं कारनामों का मैंने तेरा कफन बना दिया। देख। शाबाश भीखा, शाबाश। इंस्पेक्टर भूषण, तुम भी इन लोगों के साथ हो। तुमने कानून की वर्दी पहनकर कानून के दुश्मनों का साथ दिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं इस बस्ती के नेता का बेटा हूं, अगर मैं साथ खून कर दूं ना, तब भी ईमानदारी के सारे मेडल मुझे ही मिलेंगे। इंस्पेक्टर गुरदयाल सिंह की हत्या में भीखा का हाथ। मेरी, तुम घर पे तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया, इसलिए खाना लेके खुद चलाया। क्या है मेरी के, थोड़ा ऐसा काम आ गया था कि बस देर हो गया। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, हम अभी भी आते हैं। नो डैडी, तुम खाना खाएगा वो भी अभी इसी वक्त। अभी चलो, जाओ जाके मुंह धो के आओ, हम काम खत्म कर। चलो डैडी। तुमको मालूम है मेरी, तुम बिल्कुल अपना मम्मी की तरह जिद करता है। डैडी, तुम हर दम भीखा के खिलाफ लिखता रहता है, हम तुमको कितनी बार मना किया, पर तुम डैडी प्लीज, वो बहुत डेंजरस आदमी है। अरे हमको कुछ नहीं होने वाला है, तुम बेकार में फिक्र करता है। डैडी, मम्मी की डेथ के बाद तुमने हमको कभी फील नहीं होने दिया कि मम्मी के बगैर लाइफ अधूरा है। अगर तुमको कुछ हो गया डैडी, मेरी तुम तो जानता है, जब तुम पैदा हुआ था तुम्हारा मम्मी हमको इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ गया था। तब से आज तक ये क्राइस्ट तुम्हारा हिफाजत करता आया है और करता रहेगा। हाँ, रहा बात हमारा, हम हमारे पेपर में सच छापने से डरेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा बिजनेस नहीं, धर्म है। ए, चलो खाना दो, बहुत भूख लगा हमको। Come on। क्या इंस्पेक्टर गुरदयाल सिंह की हत्या? भगवान जाने भारत नगर का क्या होगा। अरे भारत नगर को छोड़ो दीदी, मेरा ख्याल करो, मेरा सर से पैर तक साबुन लगा हुआ है और नल में पानी आना बंद हो गया। हाँ हाँ। जल्दी से पानी दो प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। अरे रामू, 50 रुपए का चेंज होगा ना? कोई बात नहीं दीदी, कल दे देना। हाय भारती। हाय मेरी, आओ अंदर आओ। कैसी हो? ठीक हूँ। अरे तू अभी तक ऑफिस नहीं गई?
वो हाँ हाँ जाओ ना जाओ क्या फर्क पड़ता है, आखिर तुम्हारा बॉस तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जो है। अरे भारती जल्दी करो मेरी आंखें जल रही हैं। आ रही हूँ। मैं ले जाऊँ? ठीक है मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा अच्छी नेतागिरी है तुम्हारी, यहाँ पे भारत नगर नलों में पानी नहीं आता है, अगर नल में पानी नहीं आ रहा है तो कम से कम गटर का पानी दे दो, उससे नहा लेता हूँ मैं। क्या तो रोज का चक्कर यही है, सवेरे नहाने बैठो तो पानी कुल। मैं क्या मूड खराब कर रहा हूँ अपना। मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे वाह मुझे तुम बचाओ, भारती मुझे बचाओ, मेरी इज्जत लुट गई भारती मुझे क्या हुआ? बचाओ क्या हुआ? तुमने इस भूति को पानी लेके क्यों भेज दिया? क्यों? मुझे घूर घूर के देख रही थी ना, घूर घूर के देखो 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 भूति गई थी। भारती ये तो बिल्कुल लड़कियों के माफिक शर्माता है, लगता है इस घर में बारात लेकर हम ही को आना पड़ेगा। तुझे तो मैं याद रखूंगा दोस्त, तुझे तो मैं याद रखूंगा। अच्छा। मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है तूने, तुझे मैं याद रखूंगा। सोचती हूँ मेरी इस अंकल से बात करके मैं तुम दोनों की शादी पक्की कर दूँ। सिर्फ हमारा ही नहीं तुम्हारा और विजय का भी होगा, और वो भी एक ही टाइम। ये लो। अरे याद आया, कल मेरा बर्थडे है और डैडी ने आप सबको इनवाइट किया है। भाई कोई आए ना आए मैं तो जरूर आऊंगा, मिस मैरी का बर्थडे और मैं मिस कर दूं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मिस मैरी ओए होए होए, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें पार्टी के बहाने धमाल करने का मौका मिलेगा। भूतनी कहीं तुम दोनों बातें करते रहो, मुझे देर हो रही है। देंगे ना एक, आज मुझे जाकोटिया साहब के यहाँ जाना है और हमारी यूनियन की मीटिंग भी है, मैं चलती हूँ। बीजी को पार्टी में साथ लाना मत भूलना। हमारी मांगे गुलाब चंद जाकोटिया अपना अधिकार, मजदूर यूनियन हमारी मांगे गुलाब चंद जाकोटिया। ये भारती भी अजीब लड़की है, विजय साहब के मंगेतर है फिर भी जाकोटिया की यूनियन में रहकर विजय साहब के खिलाफ नारे लगा रही है। विजय साहब भारती ने हड़ताल करवा दी है। मैं जानता हूं, भारती को ऑफिस में भेज देना। जी सर। भारती जी आपको विजय साहब ने ऑफिस में बुलाया है। जी आपके ऑर्डर के मुताबिक भेज रहा हूं। कम इन। जितना भी सामान है तो हो रहा है, इसी रेडी हो जाएगा। मैं मैंने अपने मैनेजर से कह दिया है वो संभाल लेगा सब कुछ। ओके ओके बाय। आइए आइए नेताजी तशरीफ रखिए। बाहर ये नाटक क्यों लगा रखा है? ये नाटक नहीं हड़ताल है, हड़ताल, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी कोई काम नहीं करेगा। किसकी मांगे पूरी करनी है, मजदूरों की या तुम्हारी? विजय साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, इस वक्त आप भारती से नहीं एक यूनियन लीडर से बात कर रहे हैं। मैं तो ये भूल ही गया था कि आप यहाँ पर एक यूनियन लीडर की हैसियत से आई हैं। वैसे मजदूर की मांगे क्या हैं? पिछले महीने आपने 50 लाख की टूटी फूटी मशीनें और भंगार बेचकर अपनी तिजोरी भर ली, उन रुपयों में मजदूरों का भी हक है। वैसे ये भंगार वाली बात किसके भंगार दिमाग में आई है? जाकोटिया साहब जैसे भले आदमी के अच्छे दिमाग को आप भंगार कह रहे? सारा शहर उनकी पूजा करता है, गरीबों और मजदूरों के लिए लड़ना उनके जीने का मकसद है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अरे बाबा शांत हो जाओ शांत, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपके जाकोटिया साहब का स्वार्थ क्या है। ऑपरेटर गुलाबचंद जाकोटिया को फोन लगाना। माई जी आप लोग मुझे नेता मत समझिए, मैं सेवक हूँ आप लोगों का, मैं बैठा हूँ यहाँ आपकी सेवा के लिए, आप लोग सिर्फ कहते जाइए मुझे। जोशी जी जी ये लोग दूसरी बार आए, इनका काम क्यों नहीं हुआ?
कल तक इनकी शिकायतें दूर हो जानी चाहिए, समझे जी? कल तक आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हेलो। नहीं नहीं, मैं आता हूँ कल सभा में, आता हूँ, आना ही पड़ेगा, सेवक जो ठहरा। जयराम जी की, जयराम जी की। सर, विजेंद्र सिंह से फोन है आपके लिए। अरे बोलो, हड़ताल जारी रखो, रोकना नहीं हड़ताल को, जाओ जल्दी बोलो। सर ऐसा है कि विजय साहब खुद आपसे बात करना चाहते हैं। विजय साहब, इंडस्ट्री का मालिक? आ गया साला लाइन पे, अभी दिखाता हूँ। साहब ये कागज ऊपर भेज दो। खादी पहनते हो लेकिन अभी तक अकल नहीं आई। मैं ऐसे कागज जमा करता रहूंगा ना तो एक दिन मुझे गोदाम खरीदना पड़ेगा। लो सर। हेलो विजय साहब, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? आपने मेरे मजदूरों को भड़काकर हड़ताल क्यों करवा दी? नहीं, वो क्या है विजय साहब कि आप तो बहुत बिजी रहते हैं, हमें मिलते नहीं, इसलिए सोचा कि आपको याद दिला दूं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और ये सब चंदे का चक्कर है। जी जी। देखिए जगोटिया साहब, इस बार क्यों ना ऐसा करें, चंदे की रकम आपको देने की बजाय मजदूरों में बांट देते हैं, ताकि उनकी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। अरे कहां मजदूरों का भला कर रहे हैं विजय साहब, हमारा भला कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मतलब ये कि अगर मैं चंदा दे दूं तो हड़ताल खत्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 5 साल की गारंटी है। ठीक है, चंदा पहुंचा दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। अब आप बेफिक्र हो जाइए और 5 मिनट के अंदर मशीनों के चलने की आवाज सुनिए। थैंक यू। सुन लिया आपने, आपके प्रिय नेताजी क्या कह रहे थे? जाइए जाइए, काम शुरू कीजिए। सुनिए, ये फाइल ले जाइए और पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भंगार की रकम मेरी तिजोरी में नहीं बल्कि मजदूरों के लिए घर और हॉस्पिटल बनाने में खर्च हो रही है। I'm sorry विजय, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। इट्स ओके। अरे हाँ, कल मेरी का बर्थडे है, टिशूज अंकल ने तुम्हें भी इनवाइट किया है, साथ में चलेंगे। अपना बड़ा बेटी को खिलाएगा और फिर हम विजय को खिलाएगा। थैंक यू अंकल। मेरे लिए? अभी रुको, अभी हम सब लोग गाना गाएगा और नाचेगा भी, ऑर्केस्ट्रा। ऐसे नहीं अंकल, मजा तो तब आएगा जब ये पंखड़ा जिस पे बैठेगा वो डांस भी करेगा और गाना भी गाएगा। अरे आदेश, अगर ये पंखड़ा अंकल के ऊपर आकर बैठ गया तो अंकल क्या करेगा? अंकल की छुट्टी। हंसता है हाँ? अच्छा। पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा। पंखेड़ा तू मोतियों की लाबहार रे, पंखेड़ा तू मोतियों की लाबहार रे, मेरे मीत क्या मैं करूँगा सिंगार रे, ओ मेरे मीत क्या मैं करूँगा सिंगार रे।
खुशियों की जन्नत रहे। मेरी प्रीत मेरी वफा तेरे साथ रे, ओ मेरी प्रीत मेरी वफा तेरे साथ रे। कितना खूबसूरत ये ऐतबार रे, कितना खूबसूरत ये ऐतबार रे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा 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 हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो। चुराते लिया उनकी प्यारी सी आंखों में काजल लगा। ला 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 ला। उनकी जुल्फों में चंदन की खुशबू बसा, उनके नाजुक से हाथों में मेहंदी रचा। कंगन लाओ झुमका लाओ बिंदिया लाओ रे, ओ कंगन लाओ झुमका लाओ बिंदिया लाओ रे। मेरे मीत का मैं करूंगा सिंगार रे, ओ मेरे मीत का मैं करूंगा सिंगार रे। लाइन में खड़े रहो, समझे? एकदम लाइन में खड़े रहो। चली गोरी पानी। ए जनता, उधर किधर जा रहा है? हाय राम, हवलदार ढोले जब भी बोले डंडे से बोले, कभी प्यार से भी बोला करो ना। बोल, क्या बोलू जनता?
तुम्हें कितने बार कहा है जनता जनता कह के ना बुलाया करो। मेरा नाम जयंती लाल है, जयंती लाल। हाँ जयंती लाल हो या माइका लाल, लाइन में आओ लाइन में। मैं लाइन में नहीं तो क्या, मेरा लाल तो लाइन में है। लाल यकीन नहीं आता, बुलाऊं? लाल, ओ मेरे लाल। ये प्योर तेरा ही है। चलता हूँ। अम्मा अम्मा ये कौन है? लाल ये तेरे ढोले चाचा हैं। अम्मा इनकी शक्ल तो मेरे पिताजी जैसी है। चलो अपनी ड्यूटी खत्म। खाली करो जल्दी, चलो चल पानी भर। कोई आवाज नहीं करेगा यहाँ पर, समझे? देखिए भाई साहब, अगर आप लोगों को पानी भरना ही है तो जैसे ये सब लाइन से पानी भर रहे हैं वैसे आप लोग भी भरिए ना। ए साले, किसको सिखाता है भाई साहब? किसको सिखाता है? मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं पंडित जी, पंडित जी क्या हुआ? उठिए पंडित जी, तुम्हें उन मवालियों के मुंह नहीं लगना चाहिए था। शुक्र करो उन्होंने तुम्हें जान से नहीं मार दिया, वरना आज तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाते। इनके बच्चे तो इनके मरने के बाद यतीम होते, मगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जीते जी यतीम है। अरे जो आदमी तुम्हारे भले के लिए आवाज उठाता है उसी को तुम कायरता सिखा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलिए पंडित जी, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं, चलिए। किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे होते हुए दिन दहाड़े गुंडागर्दी और छेड़छाड़ करे? लेकिन गुंडागर्दी होती है और हमेशा आप यही कहते हो। कभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर बस्ती में जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वहां गुंडों का राज है या कानून का। तो क्या पुलिस तुम लोगों को कदम कदम पे चाहिए? नेता हो तुम लोग? पुलिस सिर्फ नेताओं के लिए ही नहीं होती इंस्पेक्टर साहब, सरकार ने पुलिस को जनता की हिफाजत के लिए भी रखा है, ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वर्दी का तो लिहाज रखो जिसने तुम्हारे घटियापन को छुपा रखा है। हवलदार जी साहब, इनके कंप्लेन लिख लो। हमेशा की तरह सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कोई कदम उठाना पड़ेगा, समझे? ठीक है ठीक है, जाओ। आइए पंडित जी। सर हर वक्त ये नेतागिरी करती रहती है। हाँ इसी बहाने थोड़ा सा वक्त निकाल के पुलिस स्टेशन तो चली आती है, वरना यहाँ चोर उचक्के टेढ़े मेढ़े थोपड़ों के सिवाय आता ही कौन है। साहब आज आप ये टोपी पहन के दाढ़ी बना रहे हैं? मालूम नहीं आज 15 अगस्त है। 14 अगस्त की रात को 12 बजे से मैंने टोपी पहन कर रखी है। अच्छा प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि मेरे आज रात तक के क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? सर जी अभी बताता हूँ। साहब आज 15 अगस्त का दिन है। हाँ वो तो मालूम है। आपको ध्वज वंदन करना है। हाँ हाँ हाँ। एक घंटे बाद चूना भट्टी में आपको भाषण देना है। भाषण? हाँ। अच्छा। और शाम 4 बजे कमिश्नर साहब से आपकी मीटिंग है। और रात 10 बजे महिला आश्रम में मुझे चंदा देने जाना है। ए भूषण इधर आ, इधर आ। जी डैडी। मैंने तुझे पुलिस ऑफिसर इसलिए नहीं बनाया कि तू लोगों से बदतमीजी से बातें करे, उनकी कंप्लेंट लिखने से इनकार करे। मैंने तुझे पुलिस ऑफिसर इसलिए बनाया कि लोगों को पता चले कि जाकोटिया साहब के घर का बच्चा बच्चा समाज सेवक है, कानून का रक्षक है, समझे? किसी बात को गधे का बच्चा। अच्छा ये मवाली जैसे कपड़े पहनकर कहां जा रहा है तू? डैडी आज एक मुजरिम को पकड़ना है। अच्छा? जो बहुत दिनों से मेरे हाथ नहीं लग रहा है। अच्छा लेकिन आज आज उस खूबसूरत मुजरिम को पकड़ के ही दम लूंगा।
की लाइट क्यों चली गई? हवलदार, हवलदार साहब बिजली गई। नाच गाना और जाए यहां से। चलो, पुलिस स्टेशन में भारती ने आपके बेटे भूषण का खून कर दिया है। क्या, कैसे हुआ ये? भूषण भारती की इज्जत लूटना चाहता था, और यही नहीं, आपके लाडले बेटे भूषण ने विजय कुमार को भी मार डाला। खून, विजय कुमार का खून? अरे उस बेचारे को मारने की क्या जरूरत थी? उस कमीने भूषण ने जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जिससे बाप का नाम रोशन हो। अगर भारती ने जुबान खोल दी, वोट मिलना तो दूर की बात है, मुझे मुझे तो टिकट भी नहीं मिलेगा। डीएसपी, अब इस मुसीबत से तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैं? हाँ। वो कैसे? तुम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर भारती को गोली मार दो। क्या? हाँ, विजय के खून का इल्जाम भी उसी के ऊपर डाल दो। अगर किसी ने पूछा तो बोल देना कि वो खून करके भाग रही थी, बाकी सब मैं देख लूंगा। प्लीज जाओ, जाओ फौरन जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। जाओ जाओ। लड़की कहाँ है? लॉकअप में है सर। लॉकअप?
बैठा। आज तक आपने जो भी कुछ कहा मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में हमारे देश का तिरंगा है। मेरा बाप देशभक्त था, जब वो आजादी की लड़ाई में अंग्रेज अफसर के हाथों मारा गया उस वक्त भी उसके हाथों में यही तिरंगा था। सर मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो, उसने कोई फोन नहीं किया है, वो निर्दोष है, छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम जो चिल्ला रहे हो? इफ्ती साहब, मैं भारती का भाई हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उससे नहीं मिल सकते। एक भाई अपनी बहन से मिलना मांगता है, उसमें आपको क्या एतराज है? एतराज है तो हम भी आपको बताता है कि हम एक जर्नलिस्ट है और हमें उसका बयान लेने का है। लिसन हियर, लिसन टू मी, इनसाइड देयर शी किल्ड अ कॉप, उसने एक पुलिस अफसर का खून किया है। वो हमको नहीं मालूम। तो जब तक हम उसका बयान नहीं ले लेते उससे कोई नहीं मिल सकता। हवलदार बाहर निकालो इन लोगों को। आउट देसी साहब, मेरी बहन खून नहीं कर सकती। देसी साहब हम बोलते हैं, हम तुम्हारे बारे में लिखेगा, छोड़। अरे लगा तो नहीं बेटा। सुधा अंकल, आप ही कुछ समझाइए इन लोगों को प्लीज। अरे अरे करने दो इनको, कानूनी कार्रवाई। यू डोंट वरी, चलो। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, अरे तो मैं एक को देख लूंगा, की आवाज किसी ने सुनी तो नहीं है ना? गोली चलाने से पहले लड़की का भाई और बस्ती वाले आ गए थे। अरे यार, तुम तो मुझे मंत्री से संतरी बना दोगे। अब ऐसा करो, एक गोली मुझे भी मार। उसके हाथ में वही तिरंगा है जिससे आपके बेटे को मारा है। लेकिन लेकिन उसके हाथ से तिरंगा निकाला क्यों नहीं? फोटो निकाला, अखबारों में आ गया तो ये हीरोइन बन जाएगी। कुछ तो करो हवलदार। Dear guests. भारती का बयान हो ही नहीं सकता है। यह पुलिस का अपना बनाया हुआ बयान है, हम जानता है, हम। लेकिन पुलिस किसी का भी गलत बयान क्यों छापेगी? वो हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन भारती को हम अच्छी तरह जानता है, हमारे गोद में वो खेला है जब वो बेबी था, और अब
लोग उसी भारती के बारे में बोलता है कि उसने पैसे की लालच में आके खून किया है। क्या? हम नहीं मानता। डिसूजा, तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। भारती पूरे समाज में बदनाम हो चुकी है। मैं नहीं मानता इस समाज को। मुझे नहीं रहना इस समाज में जो समाज मेरी निर्दोष बहन को मुजरिम समझता हो। यही रहती है वो जिसने हमारे नेता के बेटे का खून किया है। तोड़ दो उसके घर को। मेरी बहन पे इल्जाम लगाता है। अरे क्या कर दूंगा मैं? हम बोलते हैं बहन पे इल्जाम लगाता है। अरे इल्जाम इल्जाम क्या बोलता है? तेरी बहन हमारा है, बच्चा है। छोड़ दो मुझे, मैं अपना खून भी जाऊंगा। हमारे बात सुनो तुम, बात सुनो तुम हमारा। अरे बोलने से पहले तुमको कुछ सोचना मांगता है ना? हाँ, तुम उसका उसका बहन को वचन बोला। अगर वो तुम्हारे बहन को वचन बोलेगा तो तुम्हारे दिल पे छुरी नहीं चलेगा क्या? इनको अपने दिल की पड़ी है। वहां जकोटिया साहब का जवान बेटा गुजर गया, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मुबारक हो जकोटिया साहब, मुबारक हो। टीवी, रेडियो, अखबार, हर जगह आपके नाम का बोलबाला है। और उस लड़की के मुंह पर चारों तरफ से लोग थू थू कर रहे हैं। बस समझ लो जकोटिया साहब, आपके इलेक्शन में आप मुख्यमंत्री बन ही गए। बीका, कल उस लड़की को कोर्ट में ला रहे हैं। अगर उसने कोर्ट में भूषण के करतूतों के बारे में सब कुछ बता दिया ना, तो मेरी नेतागिरी की दुकान पर धार से शटर पड़ जाएगा। जो लोग आज उस पर थूक रहे हैं ना, वही लोग कल मुझ पर इतना थूकेंगे कि मेरी बची कुची दुकान भी बह जाएगी, समझा? गधा कहीं का। समझा? तो फिर भेज देते हो उस लड़की को आपके लड़के के पास। सुनो, वो घोड़ा लड़की को गोली नहीं मार सका और ये गधा लात मारने की बात कर रहा है। अबे भीका, तेरा जिस्म जितना भरा हुआ है ना, उतनी तेरी खोपड़ी खाली है, खाली। अगर हमने उस लड़की को मार दिया तो लोगों को उसकी बेगुनाही का पता चल जाएगा, समझा? गधा भीका। छी, सारी जनता के विश्वास को रेप करने वाले नेता का बेटा एक मामूली लड़की का रेप नहीं कर सका, बड़े शर्म की बात है। गधे का बच्चा काम ऐसा कर गया है। अच्छा होता उसकी चीता के साथ साथ मैं भी जलकर सती हो जाता। साला साहब, आपको कुछ अखबार वाले मिलने आए हुए हैं। अखबार वाले? ए ए भीका, भाग 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 भाग, इसको छुपा, जल्दी जल्दी। गधा कहीं का। आप अंदर आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हम लोकमत समाचार से आए हुए हैं। ये जरीना है, मैं राजू कारिया। आओ बेटी आओ, आप बैठिए जरा उधर। बैठो, बोलो। जिस लड़की ने आपकी बेटी की हत्या की है, लोग उसके खिलाफ हैं। आपकी क्या राय है? ओ, जो होना था सो हो गया। अब मेरी सिर्फ जनता से यही विनती है कि कानून अपने हाथ में ना ले और शांत रहें। अच्छा, एक सवाल और ये है कि देखिए, बेटे की मौत से इनको गहरा सदमा पहुंचा है। आप फिर आना है प्लीज। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। गई, एक गम से छुटकारा नहीं मिला, दूसरा गम देके चली गई। ये अखबार वाले भी कितने पत्थर दिल होते हैं। पत्थर? वाह भीका, वाह वाह वाह। अरे ये राजनीति के हथकंडे तो हम भूल ही गए। टीयर गैस, लाठी चार्ज और पथराव। तो
भारती 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 बोली वाली सूरत है इसकी। अरे देख भैया देख, विजय के पास माल नहीं मिला तो उसे खत्म कर दिया। मेरे पास आ जा, बहुत माल है मेरे पास। तेरी हलक से सामान खींच दूंगा कमीने, मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलता है, क्या करूंगा मैं इसको आग लगा दूंगा। अबे ओ ज्यादा होशियारी मत बता, तेरी बहन से तो अच्छी कोठे वाली होती है जो दौलत के लालच में किसी का खून तो नहीं करती। अबे मुंह संभाल के बात कर पुत्ते, अपनी बेटी के बारे में ये बोलता है क्या कमीने। देख मेरी बहन से खून लगती है क्या, देख आंख खोल के देख पुत्ते। इसने हमारे चाकू ने सामने लड़के का खून किया है, मारो इसे। रुको रुको, मेरी बहन को मत मारो, मेरी बहन को मत मारो, इसने कोई खून नहीं किया, मेरी बहन को मत मारो प्लीज, मेरी बहन को। चकोटिया साहब, जितने पत्थर इस लड़की पर पड़ रहे हैं ना, समझ लीजिए उतने ही वोट आपकी जेब में आ रहे हैं। देखो इसे कहते हैं राजनीति। लगता है अब तक लड़की मर चुकी हो, जाओ चलो। बंद करो ये दंगा फसाद, वरना मजबूरन हमें तुम लोगों पे गोली चलानी पड़ेगी। अरे 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 क्यों मार दिया इस बेचारी लड़के को, हाँ क्यों मार दिया? गांधी जी ने कहा है अहिंसा परमो धर्मा, मार दिया इसको। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को मेरे जवान बेटे के मरने का बहुत दुख हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कानून अपने हाथ में ले। इसका फैसला अदालत करने वाली थी रे, तुम कौन हो इसे सजा देने वाले? डीएसपी, मुझे तुम्हारा यह इंतजाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे तुम लोग एक लड़की की हिफाजत नहीं कर सके? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस का इंतजाम करो जल्दी से। गुलाबचंद चकोटिया, गुलाबचंद चकोटिया, गुलाबचंद चकोटिया। इस लड़की का पोस्टमार्टम आज ही हो जाना चाहिए। लेकिन साहब लड़की तो जिंदा है। गुलाबचंद चकोटिया। भिकू तेरे आदमी किसी काम के नहीं, एक लड़की को नहीं मार सके। बातें तो बड़ी बड़ी करता है गधा कहीं का। अब मुझे कोर्ट की तारीख इलेक्शन के बाद फेंकनी पड़ेगी। डीएसपी, तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी ये कि पुलिस कस्टडी में उस लड़की को कोई भी न मिलने पाए। हाँ
और आसमान लहू से लाल है। अहिंसा के देश में ये अग्नि काल है। अहिंसा के देश में ढोले, मक्खी मारने का इतना ही शौक है तो डंडे से क्यों मारते हो? ऐसे मार। ए जनता, आजकल तेरी बहुत कंप्लेन आ रही है। जनता की कंप्लेन आप तक नहीं आएगी तो और कहां जाएगी? जरा ये तो बताओ, मेरी कंप्लेन क्या है? आजकल तू पानी में दूध बहुत मिला रहा है। मेरा मतलब है दूध में पानी बहुत मिला रहा है। हाय राम, आप ही ने तो कहा था। ए, ये दूध खुला क्यों छोड़ा है? हाय, खोल के नहीं रखूंगा तो धंधा कैसे होगा? खुली हुई चीज बेचना मना है, तुझे मालूम नहीं? अंदर कर दूंगा। जनता को डराने धमकाने के सिवा आप करते ही क्या हैं? ये धमकी नहीं है, ड्यूटी है, ड्यूटी, समझा? चल दूध पी ला। हाय, क्या ब्यूटी है ये आपकी ड्यूटी, ये लो। हाय हाय, मुए फिर आ गए, माटी मिले कहीं के। बेटे, मुझे थोड़ा सा पानी भर लेने दो, बस थोड़ा सा पानी। मुझे अपने बच्चों को खिला पिला कर स्कूल भेजना है बेटे। अरे तेरे बच्चे गए भाग। कौन है तू? जवाब तुझे इस जंजीर से मिलेगा। हाय राम मरद, और इस बस्ती में?
जोड़ इस मटकी को। ये नहीं हो सकता। जब तू जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने का क्या हक है तुझे? हाँ, पानी भर लीजिएगा आप लोग। क्या हुआ आप लोगों को, पानी क्यों नहीं भरते आप? अरे आएंगे कैसे, भीखा इनकी हड्डियों का सुरमा बनाकर अपने नैलों में लगा लेगा। ये भीखा कौन है? वो मुआ एक नंबर का हरामी है। अब किसी भीखा से डरने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो प्यास से मर जाओगे। आओ पानी भर लो। कोई आगे नहीं आएगा, पहले मैं ही आता हूं। सब चुप हैं, सिर्फ संजीव बोल रही है। शराब बनाने के लिए मैं हजारों नल लगवा सकता हूं, फिर क्यों नहीं लगवाता? बोल। मैं बस्ती में तुम लोगों को इसलिए भेजता हूं कि हमारा डर उन लोगों के दिलों में बैठा रहे। भला मैं बस्ती वालों को क्यों डराता हूं? बोल। जब बड़ा बोलता हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हां, तो बस्ती वालों को क्यों डराता हूं मैं? इसलिए कि हमारे काले धनों की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके, है ना? हां भीखा सेठ। तो फिर ये सब कैसे हो गया? पता नहीं भीखा सेठ, वो आया और तुम सबको जंजीर का तोहफा देकर चला गया। हाँ, उसे पहली बार बस्ती में देखा। पहली बार नहीं, इसको आखिरी बार बोल, आखिरी बार। जाओ पता करो वो सुरमा कौन है। साहब, ओ ढोले साहब, ये आपने पुलिस स्टेशन में सन्नाटा कैसा है बाप? लगता है तुम लोगों ने नंदी गली के अंदर रेड डालकर बहुत माल अंदर कर लिए क्या? इसलिए बहुत लंबी नींद आ रही है। अबे रुक क्यों गया, चालू हो जा चालू। क्या नाम है तुम्हारा? ढोले। माय नेम इज सर वसंतराव ढोले। कितने वर्ष से स्थानीय हवलदार लगे? 19-20 साल। 19-20 साल से तुम हवलदार के हवलदारी रहे, जानते हो क्यों? हाँ, आई एम सॉरी सर। आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसके लिए तुम्हें सॉरी कहना पड़े। सॉरी सर। यस सर। जाओ जाके क्रिमिनल्स की सारी फाइलें लेके आओ। यस सर। Mm-hmm.
तुम जा सकते हो। सॉरी सर। यस सर। दे दो भाई, दे दो उसे। भीखा सेठ, बस्ती का नया पुलिस ऑफिसर आपको मिलने आया है। हाँ। ये वही पुलिस इंस्पेक्टर जिसने कल हमारे आदमियों को बस्ती में। भेज दो उसे। आओ इंस्पेक्टर, बैठो। या गरम? मैं अपना गुस्सा पी गया, यही बहुत है। बहुत शौक है तुम्हें मेहमान नवाजी का। तो मेरी खातिर का अंदाज भी सुन लो। अगर तुम अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें सरकारी मेहमान बनाकर ले जाऊंगा, जहां तुम जैसे लोगों की खातिर इतनी नान से की जाती है। बहुत गुरूर होगा तुम्हें अभी तक कि तुम्हारा नाम पुलिस स्टेशन की फाइलों में नहीं, मगर अब जगदीशन आ गया है, तुम्हारी फुल साइज फोटो चिपका देगा। ठहरो इंस्पेक्टर। देखा इंस्पेक्टर, ये एक डॉक्टर है। आज से एक साल पहले मेरा कुत्ता जख्मी हो गया था और इसी डॉक्टर ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये इंसानों की डॉक्टर है, जानवरों की नहीं। जानते हो उसका अंजाम क्या हुआ? उस दिन से आज तक ये सिर्फ मेरे कुत्ते की जंजीर थामे हुए है और सुबह से शाम तक उसी की देखभाल कर रही है। जंजीर तो मैं भी रखता हूं, सिर्फ कुत्ता पकड़ना बाकी है। हाय राम, ये तो वही मर्द है जिसने भीखा के आदमियों को नल पे मारा था। हाँ यार, ये तो इंस्पेक्टर निकला। इंस्पेक्टर ने घर जाने को नहीं बोला, वैन में जाने को बोला, समझा? चलो भगता था। हेलो, कैसा ज्ञापन? कलम से लड़ने वाला आदमी है, हाथ को पहली बार यूज किया। डिसूजा। चल भाई बाजू हट। देखा जग्गा, कल तक ये लोग हमारे सामने दुम दबाकर भागते थे और आज यही लोग हमारे सामने सर उठाकर चल रहे हैं। ये सब साला उस इंस्पेक्टर के वजह से हो रहा है। मुईमा मर गया। Thank you.
इसे अंदर ले जाइए। बेटी आओ। क्या देख रहे हो? तमाशा? अब उसे नंगी देखना चाहते हो? शर्मानी चाहिए तुम लोगों को। आज उसके साथ ये सुलूक हुआ है, कल तुम में से किसी की बेटी के साथ हो सकता है। अगर हम इन गुंडों से दुश्मनी मोल लें तो हमारे साथ भी यही होगा। ये डर तुम्हारा अपना पाला हुआ है। इस तरह से चुप रहकर जुल्म सहकर तुम उन गुंडों की हिम्मत को बढ़ावा देती हो। क्या तुम अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते कि उनके खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर सको? साहब, आज पता चला कि भारत नगर का पुलिस थाना हमारी हिफाजत के लिए है। अरे, कल तक तो उस तरफ जाने से भी डर लगता था हमें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पुलिस तो खुद उन मवालियों से मिली हुई थी। आज के बाद तुम्हारी कोई शिकायत बेकार नहीं जाएगी। तुम अपने आप को बेसहारा मत समझो, पुलिस तुम्हारे साथ है, तुम लोगों की मदद के लिए है। तो फिर मेरी मदद कौन करेगा है? वो साला इंस्पेक्टर दो टके की जंजीर लटकाए मेरे इलाके में बहादुरी दिखा रहा है, पता है तुमको? अरे उसकी जंजीर दो टके की है, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहा है। मुझे लगता है वो सोने की जंजीर पहनना चाहता है। तू ऐसा कर, बाकी पुलिस वालों को जितना देता है ना, उससे थोड़ा ज्यादा उसको दे दे, बात खत्म। यार तू हमेशा पुलिस का रोना रोते रहता है। चिंता मत कर, ये जो ईमानदारी का बुखार होता है ना, ये सिर्फ दो दिन का होता है, बाद में हर ऑफिसर टेबल पर पैर रखकर सो जाता है। झकोटिया साहब, ये आपका बेटा भूषण नहीं है, जगदीशन है। जगदीशन जिसने मेरे सारे अड्डे बंद कर दिए, मेरे सारे आदमी को अंदर कर दिया। ये मत भूलिए, ये वही मेरे सारे आदमी है जो इलेक्शन के टाइम पर घरों में घुस घुस कर वोट लाते हैं तुम्हारे लिए। आज भी वक्त है कि उनके बारे में सोचो, वरना मैं जा रहा हूँ। फिर मेरे घर मत आना इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने के लिए, समझे? बेगू क्या गुस्सा हो रहा है? काम कर राई का पर्वत बना रहा है साला। वो जंजीर वाला समझता क्या है अपने आप को? हा? अभी मैं डीएसपी को फोन करके उसे उसके औकात दिखा देता हूं। बस हंस थोड़ा। आजा आजा आजा। ओ छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? कमाल है, तुम तो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। एक साल हो गया हमारी शादी को। Come on, be a sport. Shit. डीएसपी आनंद बोल रहा हूँ। अरे डीएसपी, वो जगदीशन को बोलो कि भीखा के आदमियों को छोड़ दो। हा? क्या किया था उन लोगों ने? अरे वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, ये नई बात थोड़ी ही है। उसे कहो ये हर रोज होते रहता है। ठीक है, मैं उसे समझा देता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर जगदीशन, मैं डीएसपी आनंद बोल रहा हूँ। यस सर। कल रात जिन लोगों को तुमने गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा ऑर्डर है। आपका ऑर्डर मेरे फर्ज से बढ़कर नहीं है। जगदीशन, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। मैं कानून की हद से कभी बाहर नहीं जाता। चलो घर चलते हैं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कल अगर वो गुंडे मेरी इज्जत पर हाथ डालते हुए पकड़े जाएं, तब भी यही ऑर्डर देना कि उन्हें छोड़ दो। आनंद, तुम जितने अच्छे पति हो, काश उतने ही अच्छे पुलिस ऑफिसर होते। तुम्हें अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी समझती। तुमने तो कमाल कर दिया सर। इस देश को 40 वर्ष पहले आजादी मिला था, लेकिन भारत नगर को तो अभी जाके आजादी मिला। लेकिन यह आजादी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी अंकल। इनके साथ भी वही सब कुछ होगा जो गुरदयाल सिंह के साथ हुआ। या तो इनको भी मार दिया जाएगा,
या फिर ये भी अपनी जेबें गर्म करके भारत नगर से मुंह मोड़ लेंगे। ज्यादा जोश में अगर जबानदराजी मत करो। एक पुलिस ऑफिसर पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाने का अंजाम जानते हो? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त जेल की हवा खिला सकता हूं। चलिए इतनी मेहरबानी तो होगी आपकी तरफ से, कम से कम जेल जाके मैं अपनी बहन से तो मिल सकूंगा, जिससे आपकी पुलिस हमें मिलने नहीं दे रही। बात किसकी कर रहे हो तुम? मैं भारती की बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, उस भारती की बात जिसकी सच्चाई आपके कानून ने अपनी जेल की चार दीवारी में बंद कर रखी है, उस भारती की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, तुम भारती के भाई हो, मगर उसने तो खुद ही इकरार जुर्म किया है कि उसने दो खून किए। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सब पुलिस का अपना बनाया हुआ बयान है। उस बेचारी को तो किसी से मिलने नहीं दिया गया, तो बयान देती किसे? और ये सब इसलिए है कि मरने वाला इंस्पेक्टर एक नेता का बेटा था। अगर ये सच है मिस्टर डिसूजा, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें भारती से जरूर मिलाऊंगा। तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। तुम अच्छे तो हो ना? हम तुमसे मिलने आए थे भारती, एक बार नहीं कई बार मिलने आए थे, लेकिन हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। हम तुम्हें कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हम तुम्हें। सब ठीक हो जाएगा। हमको मालूम कि तुम बिल्कुल निर्दोष, हमको मालूम, बस तुम हमको बताओ कि वो रात क्या हुआ था, बताओ। हाँ भारती, दुनिया ये समझती है कि तुमने दौलत की लालच में आके विजय की हत्या कर दी, और चीफ इंस्पेक्टर ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा, तुमने उसको भी मार दिया। ये झूठ है, विजय का खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मेरी इज्जत बचाते हुए वो भूषण के हाथों मारा गया। भूषण मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मेरे विजय को मारकर उसने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी, मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। इसलिए मैंने भी उसे मार डाला। खत्म कर दिया उस पापी को, खत्म कर दिया उस पापी को, खत्म कर दिया उस पापी को, खत्म कर दिया। हम सब कुछ छापेगा और सबको बताएगा कि तुमने जो किया ना, अच्छा किया, अच्छा किया। तुम भारतीय नारी होने का फर्ज तुमने निभा दिया, अब हम अपना फर्ज निभाएगा। एक एक आदमी का आंख खोल देगा हम और उनको बताएगा कि सच क्या है। तुम पर अत्याचार करने वाले को हम सारे समाज के सामने नंगा कर देगा, नंगा कर देगा हम। हाँ वाह, क्लब तो बहुत बढ़िया बना दिया है भीखा। ये लो चुकोटिया साहब, इस रिबन को काट दो और मेरी छोटी सी डांस डांस क्लब को अपनी राजनीति की छत्र छाया में जगह दे दो। वाह वाह। ओह, अरे वाह, ये तो परियों की सभा है रे भीकू।
Mm-hmm.
अब ऐसा करो, दो हथकड़ियां लाओ, एक मेरे हाथ में डालो, दूसरी खुद पहन लो। लेकिन सर मैं कर भी क्या सकता था? तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गधे की पीठ पर वकालत की किताब रखने से गधा वकील नहीं बनता, ये आज मुझे मालूम हुआ है। सर मेरी बात समझिए सर, जगदीशन को रोकने के लिए मैं वहां पहुंचा ही था, तब तक वो उन लोगों को उस लड़की से मिला चुका था। नया नया धोबी है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही साबुन लगा रहा है। खैर वो क्या तुम्हारा वो जंजीर वाला साले, उस जंजीर वाले के होशियारी को तो मैं ट्रांसफर की कागज की पूड़ी में बांध कर दे दूंगा। हाँ हाँ, उसकी चिंता नहीं है मुझे, ना ही वो लड़की का भाई। भाई हाँ, वो भाई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बिगाड़ सकता है तो वो अखबार जिसका नाम है भारत नगर टाइम्स। अरे जितने घर मुझे वोट देते हैं ना, उससे कई ज्यादा घरों में पढ़ा जाता है वो अखबार। मैं उस डिसोजा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सारी कथा छाप देगा वो, कुछ नहीं छुपाएगा। हमें सबसे पहले उस डिसोजा को रोकना होगा। तुम्हारा खाना लाई हूं दादी। देखो मेरी, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो, मत डिस्टर्ब करो आज मेरे को। क्या है कि आज तुम्हारा जबरदस्ती भी नहीं चलेगा, बोल दिया, पहले काम करेगा फिर तुम्हारा खाना खाएगा। तो ठीक है, आज हम खाना तुमको अपने हाथ से खिलाएगा, तुम्हारा काम भी होता रहेगा। हम नहीं खाएगा ये खाना अभी, बस बोल दिया। दादी मुंह खोलो। दादी कितना तूफानी रात है। ये भी क्या तूफान है? अरे तूफान तो कल आएगा, भारती की निर्दोषी का तूफान, जो सारी नाइंसाफी और जुल्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। हाँ तुम देखना मेरी, वो तूफान आएगा, तूफान आएगा जरूर, और इस पेपर से आएगा जो हम छापेगा। कल भारत नगर का हर आदमी ये जान जाएगा कि भारती बिल्कुल बेकसूर है। इतना काम आ गया डिसूजा कि खाने तक की फुर्सत नहीं। क्या छाप रहे हो? लड़की की बेगुनाही? डर नहीं लगता तुम्हें? किसका डर? तेरा, जो खुद सच्चाई से डरता है? नहीं, मैं सच्चाई से नहीं डरता, वो मेरे से डरती, क्योंकि मैं खुद उसका गला दबा देता हूं। तू अपने इरादे में कामयाब नहीं होगा, ये डिसूजा की जबान है। तुम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं छापोगे, वरना मैं जिंदगी की किताब से तुम्हारे नाम का पन्ना फाड़ दूंगा। अवश्य ये धमकी है ना, ये अपने उन पिल्लों को दे आज सारा तेरे टुकड़ों में फलते। ये हमारा प्रेस है, और यहां वही छपेगा जो सच होता है, समझा?
हाथों से लिखता है ना डिसूजा, बहुत लिख चुका है, बहुत लिख चुका है। छापेगा, छापेगा, चाय खत्म हो गया, अपना अपना खून से छापेगा, भारती का बयान अब उन छाप के रहेगा। भीख मांगनी है तो भीखा सेठ से मांग, भीखा सेठ से। Yeah.
ये हमसे दो कदम आगे जाने का अंजाम। डिसूजा की लाश तो तुम्हें नजर आ रही है, पर तुम्हें अपनी लाश तक दिखाई नहीं देगी। इसलिए पुलिस के सामने सर इसी तरह नीचे और जबान इसी तरह बंद। आग लगाओ इस बस को। सब क्या है? किसने किया ये सब? बोलो। I'm sorry, my son. तुम्हारे सिस्टर के वास्ते कुछ नहीं कर सका। भारती के वास्ते कुछ नहीं कर सका। FIR रेडी है, पंचनामे पर दस्तखत बाकी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। जब डिसूजा का कत्ल हुआ आप यहां मौजूद थे? नहीं साहब, मैं यहां नहीं था। तुम? मुझे मालूम नहीं साहब। साहब मैं तो घर में सो रहा था। यह ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब। अपनी बुजदिली की चादर में सर छुपाए इस बस्ती का एक एक आदमी सो रहा था इंस्पेक्टर साहब, एक एक आदमी। ये तो उस वक्त भी नहीं जागे जब इनके लिए आवाज उठाने वाली निर्दोष भारती के ऊपर इल्जाम लगाया गया। आप ये कभी नहीं जागेंगे इंस्पेक्टर साहब, कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि ये सब मुर्दे हैं इंस्पेक्टर साहब, सबके सब मुर्दे हैं। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूं जब डिसूजा का मर्डर हुआ तुम में से बहुत सारे लोग यहां मौजूद थे। अगर आज भी तुम लोगों ने अपनी जुबान पर ताले डाले रखे तो याद रखना यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, और आइंदा जिस किसी की भी मौत होगी
उस मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। इसलिए बता दो कातिल कौन है, बता दो डिसूजा का कातिल कौन है। हम बताता तुम्हें इंस्पेक्टर साहब, हमारे डैडी को किसने मारा? उसका नाम बीका है। बीका है। अगर तुम्हारे कानून में दम है इंस्पेक्टर, अगर मैं उसे पकड़ सकता है तो दिखा दो उसे पकड़ के। मुझे बीका के खिलाफ वारंट चाहिए। उसने डिसूजा का खून किया है, डिसूजा की बेटी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। ठीक है। जीर मैं भी रखता हूं, सिर्फ कुत्ता पकड़ना बाकी है, वो भी आज आ गया।
बंदर चिचुंदर। अरे पापी देख लिया अत्याचार का अंत। देखो देखो गांव वालों, जैसी करनी वैसी भरनी। वाह इंस्पेक्टर जंजीर वाला वाह, क्या इस्तेमाल कर रहे हो अपनी जंजीर का? आप कौन? मैं कौन हूँ ये तुम्हारे साहब से पूछो, वो बताएगा सब कुछ। साहब ये चाकुटिया जी हैं, यहाँ के नेता जी। अच्छा अच्छा। अरे कम से कम कुर्सी तो लाओ, मैं आया हूँ। मैं यहाँ भी आपको कुर्सी चाहिए? हवलदार जी कुर्सी दे दो इनको। हाँ जी। इंस्पेक्टर बात करने की फुर्सत नहीं है क्या? हैं? बाद में फुर्सत ही फुर्सत कर दूंगा। चिल्लाओ मत, ये तुम्हारी पार्टी का ऑफिस नहीं है और ना ही तुम्हारी सभा, ये पुलिस स्टेशन है। अरे जानता हूँ ये पुलिस स्टेशन है, और ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ के ऐसे इंस्पेक्टर हो जिसकी कोई औकात ही नहीं। मेरी औकात ये है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा ये लिबास पहन सकता हूँ, और तुम चाहकर भी मेरी ये वर्दी नहीं पहन सकते। मैं सिफारिश करके दूसरों को वर्दी पहनाता हूँ, तो क्या मैं वर्दी नहीं पहन सकता? वर्दी पहनने के लिए कॉलेज का मुंह देखना पड़ता है, और तुमने तो शायद प्राइमरी स्कूल का रास्ता भी नहीं झांका होगा। मैं स्कूल और कॉलेज बनाना जानता हूं, वहां जाकर रिबिन काटना जानता हूं। अगर मैं स्कूल और कॉलेज को ताला लगा दू ना, तो तुम्हारे जैसे सरफिरे ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के, समझे? काम की बात सुनो, बीका को छोड़ दो। तुम्हारे लिए उस बदमाश को छुड़ाना कोई कारनामा हो सकता है, मगर मेरे लिए अपने फर्ज से बेईमानी होगी। ओ इंस्पेक्टर, तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर इधर उधर भटकने के आदि मालूम होते हो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि यहां वही होता है जो मैं चाहता हूं। आओ डीएसपी आओ। माफ करना मुझे आने में जरा। नहीं कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर जगदीशन भीका को छोड़ दो। मैंने उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अरे डीएसपी, ये भीका को नहीं छोड़ता तो तुम ही इसकी छुट्टी कर दो ना। है दे दो तुम्हारा वो क्या ट्रांसफर ऑर्डर, दे दो दे दो। तुम्हारा ट्रांसफर मालेगांव कर दिया गया है इंस्पेक्टर जगदीशन। हवलदार। यस सर। भीका को रिहा कर दो। ओके सर। मेरा ट्रांसफर तो इसकी मर्जी से हो गया है, मगर भीका इसकी मर्जी से नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इस बदमाश को ड्यूटी पर गिरफ्तार किया है। इस वक्त तुम ड्यूटी पर नहीं हो इंस्पेक्टर, गौर से पढ़ो इस ऑर्डर को, यहां से तुम्हारा ट्रांसफर कल हो चुका है। आओ भीका, वाह क्या मुखड़ा बन गया है, चल चल बेटे चल चल। भीगू लगता है तुझे बहुत मारा, वो जंजीर वाला बड़ा कड़क था। वो इंस्पेक्टर नहीं, गुंडा है, गुंडा मरे हुए
कुत्ते की तरह मुझे पूरी बस्ती में घसीट के ले जा रहा था, और ये बस्ती वाले जो मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं किया करते थे, वो आज मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। सबर कर भिकू, सबर कर। डिसोजा मर गया, जगदीशन का ट्रांसफर हो गया, इसके बदले में हमारा क्या गया? सिर्फ तेरी पिटाई हुई। देख, इलेक्शन नजदीक आ रहे, मुझे इलेक्शन जीतने दे, अरे मिनिस्टर कहलाऊंगा मैं, और राज करेगा हमारा भीकू। ड्राइवर, हॉस्पिटल ही चलो। सरकार ने मुझे ये घर छोड़ने के लिए कहा है, इसलिए दूसरे घर जा रहा हूँ। मेरे घर चलो ना, मेरा घर बहुत बड़ा है। भैया, गुंडों के डर से मैं रात रात भर सो नहीं सकती थी, मगर तुम्हारी जंजीर की आवाज सुनकर मेरा बच्चा मुझसे कहता था कि माँ चिंता मत कर, सो जा, जंजीर वाले चाचा आ गए। तेरी जंजीर की आवाज लोरी बनकर भारत नगर के लोगों को सुलाती थी, तेरे चले जाने के बाद कोई भी सुख चैन की नींद नहीं सो सकेगा। फिर भी तू जाना चाहता है तो चला जा बेटा, चला जा। ये रहा मेरा इस्तीफा। मेरे इस्तीफा दे देने से तुम्हें बेहद खुशी हासिल हुई होगी, लेकिन मुझे अपनी वर्दी उतार देने का बहुत दुख है, क्योंकि मैंने अपनी वर्दी को हमेशा अपने जिस्म का एक हिस्सा समझा, लेकिन फिर भी उसे उतारने के लिए मैं इसलिए मजबूर हो गया कि लोगों के दुख, दर्द और उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए मेरे पास केवल एक ही रास्ता रह गया। तुमने कभी अपनी केबिन से बाहर झांक कर नहीं देखा कि लोगों पर हुए जुल्म और अत्याचार क्या होते हैं? यही वजह है कभी किसी बेबस मां ने तुम्हें बेटा नहीं कहा, किसी मजबूर बहन ने तुम्हें भाई नहीं कहा, और मासूम बच्चों ने तुम्हें चाचा कहकर नहीं पुकारा। मैंने उनकी बेबसी और उनके दिलों की चोट को समझा है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रहकर यहां के एक एक बच्चे के हक और इंसाफ के लिए उनको लड़ने के लिए तैयार करूंगा। यही मेरा मकसद होगा और यही मेरा फर्ज। तुमने जगदीशन जैसे ईमानदार ऑफिसर का ट्रांसफर करवा दिया, इससे साफ जाहिर है कि तुमने अभी तक बुराई का रास्ता नहीं छोड़ा। आनंद, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मगर हमें किस बात की कमी है? सरकार ने हमें गाड़ी दी है, घर दिया है, और सबसे बड़ी इज्जत के रूप में तुम्हें वर्दी दी है। इसकी मान मर्यादा को मत बेचो आनंद। ओफो मधु, तुम नहीं समझते, दुनिया में ईमानदारी से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। आओ, क्लब आ गया, चलो। आनंद, तुम्हारी पत्नी होते हुए भी मैं चाहती हूं कि मेरी कोख में जो बच्चा है वो तुम्हारी तरह बेईमान नहीं बल्कि जगदीशन की तरह ईमानदार हो।
भारतनगर के लोकप्रिय पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर एसपी जगदीशन के कल ट्रांसफर कर दिए जाने के कारण शहर में जगह जगह तोड़फोड़ और पुलिस चौकियों पर पथराव की घटनाएं हुई। कई व्यक्तियों के घायल हो जाने की खबर मिली है। दंगा फसाद की इन घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी काबू में नहीं है। बताया जाता है कि भारत नगर में ये पहला अवसर है जबकि किसी पुलिस अफसर के ट्रांसफर कर दिए जाने पर लोगों में इतनी उत्तेजना दिखाई दी है। उनके ट्रांसफर कर दिए जाने पर प्रतिक्रिया के रूप में शहर में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। मुसीबत, क्या मुसीबत है। मैंने 50 ऑफिसर की बदली करवाई, लेकिन ऐसी बदली नहीं देखी जिसने सारे शहर का नक्शा ही इसको बोलते हैं ड्यूटी। अरे डीएसपी, पता है शहर में क्या क्या हो रहा है? फिक्र मत कीजिए, ये हड़ताल हंगामे तो आए दिन होते रहते हैं। जब लोगों के घर का राशन पानी खत्म हो जाता है, अपने आप सब ठीक हो जाता है। लोगों के घर का राशन पानी खत्म होने से पहले अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो इस शहर से तुम्हारा राशन पानी खत्म समझो। ट्रांसफर करके फिकवा दूंगा कहीं भी। धमकी किसे दे रहा है तू? हाँ, इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तू है। जगदीशन का ट्रांसफर भी तूने करवाया। इस शहर के वातावरण को खराब करने में तेरा तेरे उस नाकारा बेटे का हाथ रहा है। आ गया, बोलना आ गया। पहन लेना वर्दी डीएसपी की। सही है दोस्त, गलती तुम्हारी नहीं, इस बेवकूफ जाकोटिया की है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। नहीं तो थे क्या तुम? हाँ, रंडी खाने के झगड़े निपटने वाले मामूली हवलदार। कोठे वाली औरतें यहाँ से जो 2 रुपया निकालकर तुम्हें देती थी ना, वो खाते थे तुम। मैं तो फिर भी वहाँ एक हवलदार की हैसियत रखता था, मगर तू क्या था? उसी रंडी खाने में चाय देने वाला एक मामूली आदमी। भूल गया, गुल्लू नाम था तेरा, हर आदमी गाली दे के बुलाता था। और हाँ, मुझे तो फिर भी वो 2 रुपए यहाँ से निकाल कर देती थी। तुझे 54 कहाँ से निकाल कर देती थी, याद है? नहीं, जब भी पुरानी बात निकलती है ना तो बहुत मजा आता है। मगर आज तो तुम कंट्रोल के बाहर हो गए। अरे मैं जब भी मजाक करता हूँ ना, उसका कभी बुरा नहीं मानना। दरअसल बात यह है कि लोग जगदीशन की तरफदारी करने लगे हैं और उसी की बातों में आकर लोगों ने दंगा फसाद किए हैं। अरे अपोजिशन वालों को तो 50 बहाने मिल जाएंगे हमें बदनाम करने। मछली और स्विमिंग पूल में क्या मटक रही है? ये मेरी पत्नी है। सॉरी सॉरी, चलता चलता हूं। कमाल है डीएसपी, काम तो सारे काले करते हो लेकिन बीवी इतनी गोरी पसंद कर ली। काम तो सारे काले करते हो लेकिन बीवी इतनी गोरी पसंद कर ली। अभी तक जाग रहे हो डीएसपी? नींद मुझे भी नहीं आ रही थी इसलिए तो चला आया। आओ आओ, बैठो 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 बैठो। देखो डीएसपी, परेशान तुम भी हो और परेशान मैं भी हूं, वजह हम दोनों जानते हैं। 2 बज रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे की बात है, उसके बाद हम दोनों आराम से सो जाएंगे। 4 बजे चला जाऊंगा मैं, बिल्कुल 4 बजे। सिर्फ 2 घंटे मैं तुम्हारी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। कभी ना चली कुत्ते, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अरे सुन, मेरी बीवी का नाम लेता है, मेरी बीवी का नाम लेता है, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। हरामजादे, इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूं,
निकल जा मेरे घर से, आउट। मुझे मालूम था तू सीधी उंगली से निकलने वाला खीन नहीं है, इसलिए टेढ़े उंगली भी साथ लाया हूं। भेको अरे डीएसपी, चकोटिया साहब से रिश्ता रखकर ऐसे ही होने वाला था। इनको तो हर जगह कुत्ते की तरह मुंह डालने की आदत है। अरे इसलिए तो मैंने शादी नहीं की अब तक। खाम खा सब लोग परेशान हैं। ये तेरे से दो घंटे मांगता है ना, दे दे मेरे यार। कमीने फालतू कुत्ता, मार दूंगा तुझे मैं। आनंद छोड़ो, नहीं छोड़ो। अरे 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 लगा नहीं ना। अरे भिकू बेटे जरा प्यार से ढकेलना। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? समझाता हूँ समझाता हूँ। देखो सारा शहर तुम्हारे पति को सलाम करता है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। गाड़ी बंगला रुपया पैसा कहाँ से आए? सड़क पर पड़े थे, ये सब मेरे दम पे किया इसने। इसके बदले में मैंने इससे कुछ नहीं मांगा। कभी मांगा? हाँ कभी मांगा? मैंने इसको सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ दो घंटे बिताना चाहता हूँ। शर्मानी चाहिए तुम्हें किसी की पत्नी के बारे में ऐसा कहते हुए। लो इसमें शर्माने की क्या बात है? क्यों भेको, दिल आ गया, पसंद कर ली, बात खत्म। भेको बेटे डीएसपी को बाहर ले जा। लेकिन मारना नहीं है, अपना खास दोस्त है। बेडरूम किधर है? चल चल। बचाओ बचाओ। अरे क्यों गला फाड़कर मदद मांग रहे हो? तेरा पति पुलिस में इतना बड़ा साहब है, जब वो कुछ नहीं कर सका तो आड़ोस पड़ोस वाले क्या करेंगे? आ जाओ। अरे जल्दी करो, अगर मुझे देर हो गई और सुबह किसी ने मुझे जाते हुए देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा ना। नहीं, नहीं। जानते हो ये कौन है? हाँ ये मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी है ये, तुम्हारे डीएसपी साहब की पत्नी है ये, उस डीएसपी साहब की जिसे सब सब डरते हैं, सब सलाम करते हैं, सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब। उस डीएसपी साहब के घर में, मेरे घर में मेरी पत्नी के साथ एक बाजारी औरत की तरह सुलूक किया गया और मैं कुछ ना कर सका, कुछ ना कर सका। जानते हो क्यों? हाँ जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपना जमीर बेच चुका था। अरे जमीर तो क्या, कानून की दी हुई वो अमानत, अपनी वर्दी बेच चुका था मैं।
और अंजाम, अंजाम ये है। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। अगर तुम्हारी आंखें खुलने में जरा सी भी देर हो गई तो हर घर के सामने एक एक लाश नजर आएगी। पाप की लक्ष्मी से अपना घर भरता गया, भरता गया, भरता गया, मगर अपने अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया मैंने, खो दिया मैंने। आज के बाद ये जिस्म, ये गंदा जिस्म, ये घिनौना जिस्म कभी कभी वर्दी नहीं पहनेगा, कभी नहीं पहनेगा। बाद में करना, पहले मशीने चेक करके ठीक कर लो। हाँ किया वो अंकल का ये वो एहसान है जिसकी वजह से वो शहीद हुए थे और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। उनका ये खून बेकार नहीं जाएगा मेरी, बेकार नहीं जाएगा। प्यारे भारत नगर वासियों, पिछले 20 सालों से आप लोगों ने जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और मुझे आशा है कि आगे भी आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे। मेरा सीना गर्व से फूल रहा है कि आप लोगों ने मेरे बेटे को उतनी ही इज्जत दी जितनी आप लोग आज तक मुझे देते आ रहे हो। अब मैं मेरे मुंह से मेरे बेटे की क्या तारीफ करूं, उसे अपना फर्ज अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था और उसी फर्ज के खातिर उसने अपनी जान भी दे दी। जान दी नहीं थी जाकोटिया, जान दी थी। मेरी बहन की इज्जत लूटने के लिए उसने विजय कुमार का खून किया, उसने, तेरे बेटे ने, मेरी बहन निर्दोष है आज। अरे भाइयों, ये क्या उल्टा सीधा बकरा है। देखो मुझे गाली दे दो लेकिन मेरे बेगुनाह बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ प्लीज। तेरा बेटा गुनहगार है जाकोटिया, उसका सबूत ये है। मर गए, ये है उसका सबूत, ये। इसी को छाप रहा था वो, जब इन सब लोगों के सामने
भारत नगर टाइम डिसूजा की जबान है और डिसूजा ने हमेशा सच बात कही है। तो इसका मतलब है कि भूषण पापी का, तो इस पापी का पुतला भारत नगर में नहीं रहेगा। इस मूर्ति को उखाड़ कर फेंक दो। हाँ हाँ उखाड़ के फेंक दो। रुक जाओ, रुक जाओ दोस्तों, इस पाप की मूर्ति को उखाड़ फेंकने से कुछ हासिल नहीं होगा। सारे फसाद की, इन बुराइयों की जड़ है वो जाकोटिया, जिसने भारतीय देवी की सच्चाई, उनकी बेगुनाही को दबाने के लिए झूठा प्रचार किया। उसी ने डिसूजा का कत्ल करवाया। ये जाकोटिया जिसने भारत नगर में आतंक फैला रखा है, गुंडे पाल रखे हैं। अगर इन गुंडों से, इस आतंक से भारत नगर के निवासियों को बचना है तो आप लोगों को एक होकर उस पापी के खिलाफ लड़ना होगा। इन गुंडों के हाथों में बंदूकें हैं। ये पापी गुंडे अपनी बंदूकों से आपको डराना चाहते हैं। ऐ भारत नगर वालों, आपके पास हजारों लाखों हाथों की ताकत है। ये लोग जो बंदूकों से डराते हैं, इनके हाथ तोड़ दो और इन हाथों से उन हाथों को थामो जो आपको गले लगाना चाहते हो। आने वाले चुनाव में इन गंदी राजनीति करने वालों को, इस गुंडागर्दी की राजनीति करने वालों को आप लोग अपने वोट से निकाल फेंकिए। और मैं बताता हूं, आपका साथ देने वाला, आपको प्यार देने वाला, आपके हाथ के साथ हाथ मिलाने वाला कौन है? आइए मेरे साथ। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। भारती, अगर तुम चुनाव नहीं लड़ोगी तो याद रखो, और 5 साल तक जाकुटिया जैसा बदमाश अपने जुल्म का शासन चलाता रहेगा। तुम्हें इनकी भलाई के लिए, भारत नगर के लोगों की भलाई के लिए चुनाव लड़ना होगा। किन के लिए चुनाव लड़ू मैं? इन लोगों के लिए? इन्होंने मेरी मजबूरी और लाचारी का मजाक उड़ाया था, रखेल समझ लिया था मुझे, कोठे वालियों से भी बुरी हो गई थी मैं इन लोगों के लिए। क्या चिल्ला चिल्ला कर इल्जाम लगाया था मुझ पर कि मैंने ही अपने विजय का खून किया है। अगर अनजाने में कल मुझसे गलती हो गई तो यही लोग मुझ पर इल्जाम लगाने खड़े हो जाएंगे कि चरित्रहीन लड़की नेता बनेगी, तो यही होगा। नहीं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। भारती, भारत नगर के लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काकर तुम पे बदनामी के दाग लगाने वाला और कोई नहीं, जाकुटिया है। जब टिशु अंकल ने तुम्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश की तो उसने उनका भी खून करवा दिया। लेकिन उसी खून से छपे पर्चे ने आज इन सब भारत नगर के वासियों के आगे खोल दिए, और अब जाकुटिया के पंजे से इन सबको छुड़ाने के लिए तुम्हें ये चुनाव लड़ना होगा भारती, तुम्हें ये चुनाव लड़ना होगा भारती। हमने पार्टी की मीटिंग ये फैसला करने के लिए बुलाई है कि जाकोटिया जी को चुनाव का टिकट दिया जाए या नहीं। जाकोटिया जी को अपनी पार्टी का टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से अपनी पार्टी की बहुत बदनामी हुई है। हमें कोई ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हमारी पार्टी का नाम फिर से रोशन कर सके। अगर जाकोटिया जी को पार्टी से टिकट दिया गया ना तो पार्टी खत्म होकर रह जाएगी। जाकोटिया जी, पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये लोग मुझे चुनाव का टिकट नहीं दे रहे हैं। बोलो गुलाब चंद जाकोटिया, बोलो गुलाब चंद जाकोटिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ऐसे। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।
और आसमां लहू से लाल है। अहिंसा के देश में ये अग्नि काल है। अहिंसा के देश उम्मीदवार कुमारी भारती देवी ने लोक सेवा पक्ष के उम्मीदवार श्री गुलाबचंद जाकोटिया को 2,24,000 वोटों से पराजित करके चुनाव जीत लिया है। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम सबूतों और गवाहों से यह बात साबित होती है कि कुमारी भारती देवी ने अपने मंगेतर विजय कुमार और इंस्पेक्टर भूषण जाकोटिया का कत्ल किया, लिहाजा ये अदालत। खैर ये जज साहब, तुम कौन हो? मैं वो शख्स हूं जो भारती देवी के केस की वो सच्चाई जानता है जो अभी तक आपकी अदालत के सामने नहीं आई। आपको जो भी कहना है अदालत उसकी इजाजत देती है। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं। जिस वक्त तक वर्दी मेरे तन पर थी मैंने उसकी इज्जत नहीं की, और अब जब वर्दी मेरे पास नहीं है तो मैं उसकी पूजा करता हूं। मैं ना सिर्फ गीता पर बल्कि अपनी उस पवित्र वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, और आज सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भारती देवी बेगुनाह है, गुनहगार मैं हूं, मैं गुनहगार, मैं हूं गुनहगार। जाकोटिया है भूषण जाकोटिया, इंसान नहीं हैवान था, हैवान। न जाने कितने मासूम लोगों के साथ उसने क्या क्या जुल्म किए। कानून की वर्दी पहनकर कानून के साथ खिलवाड़ करता रहा वो। विजय कुमार का खून भी उसी ने किया, और अपने बेटे के पाप छुपाने के लिए जाकोटिया ने सारा इल्जाम भारती पर धर दिया। जज साहब, आनंद सक्सेना के बयान से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भारती देवी निर्दोष है, और गुलाबचंद जाकोटिया ने भारती देवी पर कातिलाना हमले करवाए। क्योंकि आनंद सक्सेना भी इस साजिश में शामिल था, इसलिए यह अदालत गुलाबचंद जाकोटिया और आनंद सक्सेना पर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म जारी करती है, और कुमारी भारती देवी को बाइज्जत बरी करती है। किस बात की खुशी हो रही है आप लोगों को? अभी तो सिर्फ आशा की एक हल्की सी किरण नजर आई है हमें। हमें भारत नगर को जगमगाता हुआ देखना है। वो दिन मेरी कामयाबी का दिन होगा, और वो कामयाबी, वो खुशी मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन एक बहन अपने भाई से कहेगी कि जिस हाथ को मैं राखी बांध रही हूं वो हाथ किसी की इज्जत बचाने के लिए उठाना, किसी की इज्जत लूटने के लिए नहीं। मुझे खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन एक बाप अपने बेटे से कहेगा कि बेटे मेरे मरने के बाद मेरे तन पर वो कफन पहनाना जो तूने अपने खुद की मेहनत की कमाई से खरीदा हो। मुझे खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन माँ अपने बेटे से कहेगी कि बेटे मैं अपने खून से बने दूध को उस दिन माफ करूंगी जिस दिन तू मेरे दूध से बने खून को किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि किसी का अधिकार दिलाने के लिए बहाएगा। इसे आप नहीं, भीखा मारेगा भीखा, क्योंकि इसी पब्लिक के सामने इसने मुझे मारा था। आ, 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 आ,
एकता ने जब जब खून बहाया है तब तब क्रांति आई है। अगर इनके पास हथियार है तो हमारे पास एकता है, हमारे पास एकता है।
मैं सेवक हूँ रे आप लोगों का, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं सेवक हूँ। इसको गाड़ दो जिंदा। अरे अरे मुझे जिंदा गाड़ दोगे तो आप लोगों का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, मुझे मत जिंदा गाड़ो। सिर्फ आपका ही नहीं, कानून का भी मुजरिम है। इसे सजा देने का फैसला आप लोग नहीं, अदालत करेगी। भारत नगर के लिए सपना मैंने देखा था, मेरे मेरे दो आंखें बंद होने से वो सपना हजारों आंखें साकार होता देख रही है। आज आज मुझे बहुत खुशी। इस जन्म में वादा